हाय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई एम अशोक कुमार शर्मा, मास्टर ऑफ आर्ट, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ एके स्टडी सेंटर। संसाधन बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो स्टॉक हैं, मतलब हमारे प्रकृति में, हमारे धरती पर या और भी जो प्लैनेट्स में हैं, वे स्टॉक हैं, संसाधन, एनर्जी या वैसे रिसोर्सेस, मिनरल्स तो उपलब्ध हैं, उस प्रकार के तत्व उपलब्ध हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे H2O हमारे इन्वायरमेंट में है और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर सकें। पोटेंशियल रिसोर्सेस जो सोलर के एनर्जी के द्वारा या विंड एनर्जी के द्वारा है, संभव ही है बहुत सारे ऊर्जा का जो हम लोग पूरा कर सकते हैं। कोल, ये डेवलप्ड एनर्जी जो कोल है, और ये भारत के ईस्टर्न क्षेत्रों में, मसलन ये भारत के झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा वगैरह, ये सब जो एरिया में कोल वगैरह पाया जाता है। खनिज संसाधन से रिच, धनी होने के बावजूद भी एक विडंबना है कि ये जो क्षेत्र है झारखंड, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये यहाँ के अधिकतर रहने वाले लोग जो हैं, यहाँ के अधिकतर वासी जो गरीब हैं और गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही गरीब है। ये बहुत ही विचित्र बात है कि जिसके पास सारा संसाधन है भारत में, संपूर्ण भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संसाधन वाले राज्यों में से ये कुछ राज्य जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा संसाधनों से भरा हुआ, पश्चिम बंगाल, और यहाँ के लोग, अधिकतर लोग ही गरीब हैं। H2O के बारे में ये भी हम लोग एक्सट्रैक्ट, ये स्टॉक है और बहुत सारा रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स में जैसे रिजर्व्स में गंगा रिवर्स, यमुना रिवर्स वगैरह, ये सब भी बहुत सारा रिजर्व्स है, ये सब भी रिसोर्स हैं, ये सब भी सारे रिसोर्सेस, सोलर एनर्जी वगैरह, इन सर्च ऑफ अर्थ सेक्रेट्स, और ये बहुत सारा रिसोर्स ये हम लोग देख सकते हैं। ये बहुत सारे प्लेट्स और भी वेजिटेटिव रिसोर्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेस, बहुत तरह के प्रकृति प्रदत्त रिसोर्स हैं। रिसोर्स केवल हमारे धरती में ही नहीं, बल्कि रिसोर्स तो हमारे धरती से दूसरे ग्रहों में भी बहुत सारे रिसोर्स, प्लैनेट्स में भी हैं। ये सारे स्टॉक्स हैं, इसे स्टॉक रिसोर्स कहते हैं, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वहां से हम अपने संसाधन, अपने मानव, अपने जरूरत को पूरा करने के लिए वहां से ले आ सकते हैं। बहरहाल ये बात के बाद है कि भविष्य में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी बन जाए, सस्ता टेक्नोलॉजी बन जाए कि वहां से हम लोग संसाधन को ला सकते हैं और मानव अपने जरूरत को एक नेक्स्ट लेवल पूरा कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस को देखिए, यहाँ पर जो बांटा गया, ओरिजिन डेवलपमेंट, रिन्यूएबल में, ओरिजिन में बायोटिक, एबियोटिक डेवलपमेंट में, पोटेंशियल, एक्चुअल रिजर्व, स्टॉक, रिन्यूएबिलिटी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये सारा चर्चा हम लोग पहले कर चुके थे, एक बार रिवीजन। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, ये रिसोर्स भी, ये भी एक रिसोर्स है जिसे मानव अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलप किए हुए हैं, और मानव अपने इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, विद्युत ऊर्जा के माध्यम से, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत का पान कर रहे हैं, देख सकते हैं किस प्रकार करते हैं। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग, मानव जो मूर्खतापूर्ण तरीके से, अंधाधुंध तरीके से, जो इस रिसोर्स का अविवेकपूर्ण तरीके से, मतलब या अपने लालच के कारण कहा जाए कि मतलब हद से ज़्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका एक बहुत ही बुरा और गंदा भयानक परिणाम हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी गर्म हो रहा है, और सारी समस्याओं की जड़ यही है। ग्लोबल वार्मिंग होता कैसे है, ये CFC गैस उत्पन्न होने से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उत्पन्न होता है, ये जो हम लोग आज AC जनरेटर्स, मीथेन गैस वगैरह रिलीज करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं वगैरह जो हम लोग कल कारखानों में, गाड़ी बाइक में, यूँ मतलब है कि हम लोग जरूरत से ज़्यादा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग जो चिमनीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह, प्लास्टिक वगैरह बना रहे हैं, ये चीज़ ये रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए। और जिसका खामियाजा है कि हमारा जो पोल्स डिप्लीट हो रहे हैं, या यूं कहें कि ध्रुवों के पास जो हमारा ओजोन परत है, ओजोन लेयर भी वहां पर क्षय हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, मतलब खराब हो रहा है, टूट रहा है, पतला हो रहा है, और ये ओजोन लेयर हमारी पृथ्वी को, मानव को, जीव जंतु, पेड़ पौधों को, सभी को बचाते हैं सूर्य से आने वाले जो खतरनाक भयानक जो रेज किरण होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, इस प्रकार के बहुत से भयानक किरण होते हैं जो लोगों को चमड़ी को जला सकते हैं, और उसको वहां पर कैंसर तुरंत चमड़ी में उत्पन्न कर देंगे, और सारे पृथ्वी से देखते ही देखते सारा जीव जंतु को नष्ट कर देंगे, सारे सब्जी को, सारे साग सब्जी को जला देंगे, जीव जंतु को, और झुलसा देंगे, जला देंगे, और पृथ्वी से अस्तित्व को खत्म कर देंगे।
तो ये सीएफसी गैस जो जिम्मेदार है, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे में किस प्रकार से सीएफसी गैस रिस्पॉन्सिबल है, किस प्रकार से ओजोन परत को डिप्लीट कर रहे हैं, और अगर हम लोग अगर प्रदूषण फैलाते रहेंगे, पॉलिथीन का इस्तेमाल करते रहेंगे, पॉलिथीन का इस्तेमाल करना अगर बंद नहीं करेंगे और इस प्रकार से आग जलाना वगैरह बंद नहीं करेंगे, तो एक दिन मानव को रोना ही नहीं पड़ेगा बल्कि बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक उसका परिणाम होगा। इसलिए अभी भी मानव को सुधर जाने का जरूरत है, समय बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग और ये संसाधन का क्या स्वरूप होने वाला है, ये देखिए। अगर हम लोग का ग्लोबल वार्मिंग संसाधन को बुद्धिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इस प्रकार का खतरनाक जो परिणाम अभी भी हम लोग भारत में देख सकते हैं कि विदर्भ में जो सूखा और अकाल पड़ रहा, किसान वहां पर सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, और दुनिया के बहुत सारे देशों में सूखा अकाल पड़ रहा है, वहां पर फसल उपज नहीं रही, लोग भूखों मर रहे हैं, और यह हाल धीरे धीरे संपूर्ण भारत और विश्व में होने वाला है। अगर मानव नहीं सुधरेगा, आप नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे और सभी को नहीं सुधरेंगे। सुधरना होगा, संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल की स्टडी सेंटर चैनल के लिंक को दूसरे स्टूडेंट और दूसरे को शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इससे लाभ हो। आई एम अशोक कुमार शर्मा, मास्टर ऑफ आर्ट, द चेयरमैन ऑफ पीपल वेलफेयर फाउंडेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ एके स्टडी सेंटर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो आपको मिस नहीं हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।